करनाल में कई सड़कों को फोरलेन करने की प्रक्रिया शुरू है। इस प्रक्रिया के तहत वन विभाग द्वारा सड़कों पर खड़े हुए पेड़ों को काटा जा रहा है। उन पेड़ों की जो अच्छी लकड़ी है उसे तो वन विभाग उठाकर ले जाती है, लेकिन जो उसके ऊपर टहनी और वेस्टेज है उसको वो नहीं उठा रहा। ये पेड़ पहाड़ी किक्कर है, उनके बड़े बड़े कांटे हैं, वो कील जैसे हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सड़क तो जब बनेगी तब देखा जाएगा, उससे पहले ही उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। तकरीबन 2 महीने का टाइम निकल चुका है और सड़क के पास हर जगह ऐसी ही टहनियाँ पड़ी हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब वन विभाग के अधिकारी नवदीप हुड्डा से बात की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। वह इस पूरे मामले को लेकर लोगों का कहना है कि सड़क के ऊपर टहनियाँ पड़ी हैं, इसमें मोटे मोटे लंबे लंबे कांटे हैं जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है, मोटरसाइकिल और दूसरे वाहन पंचर हो रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो अधिकारी ऐसी बात कहते हैं उनके खिलाफ भी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। चल रही है एक तो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है ट्रैफिक में, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, टायरों में लकड़ियां फंस रही हैं, आम पब्लिक परेशान हो रही है, इसको पहले क्लियर करना चाहिए था। इनको जो काम की लकड़ी वो ले गए हैं, जो वेस्टेज है वो सड़क पे छोड़ दी है, पड़ी हुई रोड पे पड़ी हुई है। हाँ जी, ये गलत है, बहुत गलत है। ले गए और ये कांटे ऊपर फेंक गए। हाँ जी, ये काट के जी अगे ला गए, लकड़ वाट के अगे चले गए, छापे शरारत नहीं कीते जी, ना कंडे करने चाहिए ना शरारत। दूर तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, दूर तक ही। कौन कटाई करवा रहा है इसकी? ये सरकारी है जी, गार्ड कराउंदे जी।